राजस्थान में लोग पेट्रोल और डीजल की कमी से जूझ रहे हैं। हालात यह है कि अपनी गाड़ियों में तेल डलवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग रही है, जिसके चलते राजधानी जयपुर में स्थानीय पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दो तेल कंपनियों भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिमांड के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नहीं कर रही, जिस वजह से प्रदेश के करीब 15 जिलों में लगभग 6000 पेट्रोल पंप्स में से करीब 2000 पेट्रोल पंप्स ड्राई हो चुके हैं। हालात यह है कि जयपुर में लोग पेट्रोल और डीजल की किल्लत के बीच अपने वाहनों में तेल डलवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जयपुर के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर भीड़ के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसे में देर रात IOCL के पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसके बाद सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। ऐसे में स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और पेट्रोल पंप पर पुलिस की मौजूदगी में पेट्रोल दिया गया। हालांकि इस दौरान सभी लोगों को तेल नहीं मिल पाया। दरअसल केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद तेल कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष सुमित बगाई ने बताया कि इसकी बड़ी वजह है कि करीब दो हफ्ते से रिलायंस और एक्सर के पेट्रोल पंप्स को बंद होना होगा। इन कंपनियों के पेट्रोल पंप बंद होने से भार अन्य कंपनियों के पेट्रोल पंप्स पर आ गया। किल्लत का दूसरा कारण है भारत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी की तरफ से कम की जारी सप्लाई। बगाई के मुताबिक केवल इंडियन ऑयल कंपनी राज्य में पूरी सप्लाई दे रही है। इस संकट की एक वजह से ये भी बताई गई है बात कि पेट्रोलियम कंपनियों को हो रहा घाटा लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से कंपनियां सप्लाई कम दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPL।